नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीता। एम फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर फलों में कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर होते हैं, और आज मैं आपको जिस फल के बारे में बताने जा रही हूं, उसके बारे में शायद आप कभी सुने भी ना हो। यह फल जितना गुमनाम है, उतना ही इसके गुणकारी लाभ उतने ही आश्चर्यजनक है। जी हाँ, इस फल का नाम है नोनी। ये फल हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या ये कह लीजिए कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। वैज्ञानिक इसे संजीवनी बूटी भी कहते हैं। ये फल अस्थमा, कैंसर, आर्थराइटिस, पुरुष व महिलाओं की स्पेशल समस्याओं सहित कई और तरह की बीमारियों के इलाज में सिद्ध होता आया है। नोनी में कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं। चलिए अब इस फल के बारे में विस्तृत में जानते हैं। दरअसल नोनी एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में पाया जाता है। यह शरीफे जैसा और कुछ कुछ आलू जैसा दिखता है। एक फल जिसका नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसे कहते हैं अनानास। इसमें जेरोनाइन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, और इस अनानास से 40 गुना ज़्यादा नोनी में ये एंजाइम जेरोनाइन पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जेरोनाइन है क्या, तो चलिए बताती हूँ। हम इंसान या पेड़ पौधे या जानवर या कीड़े मकोड़े सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, और इन कोशिकाओं में जेरोनाइन पाया जाता है, जो कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर किसी कारणवश जेरोनाइन की पर्याप्त मात्रा हमारे यानी हमारी कोशिकाओं को नहीं मिल रही है, तो हमारी कोशिकाएं बीमार या कमज़ोर पड़ने लगती हैं। धीरे धीरे बहुत सी कोशिकाएं बीमारियों से लड़ते लड़ते निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी काम करना बंद कर देती हैं, और यही हमारे लिए बड़े बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में अगर हम नोनी फल के माध्यम से जेरोनाइन को ग्रहण करते हैं, तो हमारी निष्क्रिय कोशिकाएं फिर से कार्य करने लगती हैं, और हमारी बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। सरल भाषा में बोलूं तो हमारी कोशिकाओं को सही तरह से काम करने के लिए जेरोनाइन की आवश्यकता होती है, और नोनी हमें अनानास की अपेक्षा 40 गुना ज़्यादा जेरोनाइन उपलब्ध कराता है। जेरोनाइन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा नोनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटी ट्यूमर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इसमें पोटेशियम मौजूद होता है, जो पाचन में, बालों के लिए, संचार प्रणाली के लिए, त्वचा के लिए हितकारी होता है। नोनी जूस कड़वा होता है, इसे पीना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर वेस्टीज कंपनी ने नोनी को कैप्सूल के रूप में उतारा है, जिसे खाना और कहीं ले जाना दोनों ही आसान हो जाता है। इसे सुबह शाम खाना खाने से एक घंटा पहले खाली पेट लेना होता है। चलिए अब इसके फायदों के बारे में फिर से जान लेते हैं। अस्थमा या सांस की बीमारी में ये रामबाण साबित होती है। जोड़ों के दर्द में यानी आर्थराइटिस या अकड़न में भी फायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। त्वचा संबंधी समस्याओं में जैसे मुहासे, एक्जिमा, सोराइसिस, दांत खाज आदि में बहुत फायदेमंद है। उच्च रक्तचाप और माइग्रेन में फायदेमंद है। कब्ज, बदहजमी में फायदेमंद है। गंजेपन या बालों की समस्याओं में फायदेमंद है। इसके अलावा अनियमित मासिक या मासिक के समय दर्द में भी छुटकारा दिलाता है। बाँझपन व नपुंसकता में भी फायदेमंद है। नोनी कैंसर जैसे घातक बीमारियों में बहुत कारगर है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी वेस्टीज नोनी के फायदों के बारे में। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।